दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से इंडिया में लॉन्च किए गए नए स्मार्टफोन के बारे में। सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M32 5G स्मार्टफोन ऑफ द ईयर फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। Amazon से आप इसको परचेस कर सकते हो, Samsung.com से परचेस कर सकते हो और सैमसंग के ऑफलाइन स्टोर से भी आप परचेस कर सकते हो। लेकिन परचेस करना क्यों भाई, क्योंकि ये वाला जो स्मार्टफोन है इतने तगड़े स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है भाई कि इस फोन को आप कतई परचेस नहीं कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी फोन से जुड़ी सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया है। ये चीज तो आपको पता पड़ी गई होगी भाई कि लेने लायक फोन तो है ही नहीं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को और सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको प्लास्टिक मिलती है, प्लास्टिक का बैक दिया गया है, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है और जो प्लास्टिक का क्वालिटी है वो भी यहाँ पर आपको काफी अच्छा मिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी भाई, बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है। डिजाइन की अगर बात करें तो डिसेंट लुकिंग फोन है भाई, बहुत ज्यादा भद्दा भी नहीं लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता है, डिसेंट लुकिंग फोन है। बैक पैनल की अगर बात करें तो टॉप लेफ्ट में आपको कैमरा सेटअप दिया गया है जहां पर इंडिविजुअल कैमरास लगाए गए हैं, कैमरा आइलैंड यहां पर आपको नहीं मिलता है, इंडिविजुअल कैमरास देखने के लिए मिलते हैं। उसी के साथ में पीछे की तरफ आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो इन्फिनिटी वी डिस्प्ले यहां पर दिया गया है, मतलब वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में फोन आता है। पतले पतले से बेजल्स हैं, ठीक ठाक साइज की आपको चिन मिल जाती है। स्लेट ब्लैक एंड स्काई ब्लू दो कलर्स में आपको फोन मिलता है, तो दिखने में फोन अच्छा है भाई एंड बिल्ड क्वालिटी आपको डिसेंट मिल जाती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इस फोन में मिलने वाले धमाकेदार डिस्प्ले के बारे में। ये वाला जो स्मार्टफोन है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो स्मार्टफोन है दो वेरिएंट में इंडिया में लॉन्च हुआ है, 6GB+128GB, 8GB+128GB। 6GB+128GB का प्राइस है 20,999 रुपए, यस 20,999 रुपीज प्राइस रखा गया है। Amazon पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा 18,999 रुपीज, लेकिन वो ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 2000 का डिस्काउंट इंक्लूड करने के बाद में है। अगर आपके पास में ICICI का कार्ड नहीं है तो ये वाला स्मार्टफोन आपको खरीदना पड़ेगा 21,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर। और जो 8+128 वाला वेरियंट है उसका तो प्राइस अभी तक बताया नहीं गया भाई, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो फोन आपको 23,000 के आसपास मिलेगा। अब बात करते हैं 23,000 के 21,000 के फोन में मिलने वाले धमाकेदार डिस्प्ले के बारे में। 6.5 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आता है। उसी के साथ में दुनिया का सबसे तगड़ा HD+ रिजोल्यूशन यहां पर दिया गया है। यस, फुल एचडी प्लस का क्या काम है भाई, क्यों डाटा बिगाड़ना है अपने को, डाटा बचा के रखो भाई, डाटा पैक्स महंगे हो रहे हैं, इसलिए सैमसंग ने आपको 720 पिक्सल्स वाला डिस्प्ले दिया है। अब रही बात एमोलेड पैनल या आईपीएस पैनल, तो आईपीएस क्या होता है भाई, एमोलेड क्या होता है, टीएफटी पैनल लो ना भाई, 21,000 रुपए दे रहे हो आप और वो सड़ेले आईपीएस और एमोलेड पैनल लोगे, टीएफटी पैनल लो। 6.5 इंचेस का HD+ रिजोल्यूशन वाला टीएफटी एलसीडी पैनल दिया गया है जो कि 20:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ में आता है, 270 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिलती है और हायर रिफ्रेश रेट क्या होता है भाई, ये क्या बवासीर है, सैमसंग को ये नहीं पता है। यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट मिलता है, 120 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। इतना तगड़ा डिस्प्ले आई डोंट थिंक इस प्राइस पॉइंट के फोन में सैमसंग और वीवो के अलावा कोई और ब्रांड दे सकता है। आई डोंट थिंक इतना तगड़ा डिस्प्ले किसी और के बस की बात है भाई। तो डिस्प्ले क्वालिटी एकदम रद्दड़ यहाँ पर आपको मिलती है, एकदम घटिया आपको मिलती है, बहुत ही खराब डिस्प्ले भाई, लिटरली बहुत खराब डिस्प्ले आपको मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, 21,000 का फोन है ये आप दिमाग में रख के चलना और उसके हिसाब से जज करना भाई। परफॉर्मेंस के लिए यहां पर लगाया गया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 चिपसेट, ये वाला जो चिपसेट है 7 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, तो एनर्जी एफिशिएंसी डेफिनेटली बढ़िया रहती है, हीटिंग का इशू आपको कम मिलता है। ऑक्टाकोर सीपीयू दिया गया है, दो कोर्स आपको मिलते हैं 2.0 GHz पर A76 वाले और 6 मिलते हैं A55 वाले। CPU परफॉर्मेंस डिसेंट आपको मिलती है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मिलती है,
डिसेंट सीपीयू परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए आर्म मली G57 MC3 जीपीयू मिलता है जो कि डिसेंट गेमिंग आपको करा देगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसेंट है, अगर ये फोन 15,000 में मिलता तो अच्छी गेमिंग की परफॉर्मेंस रहती उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, लेकिन 21,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी। उसी के साथ में LPDDR4X रैम यहां पर दी गई है, बोलते नहीं बन रहा भाई मेरे से। EMMC 5.1 वाला स्टोरेज, यस 21,000 के फोन में EMMC 5.1 वाला स्टोरेज दिया है सैमसंग ने, मतलब जय हो प्रभु की। और परफॉर्मेंस भी खराब परफॉर्मेंस आपको मिलेगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन भी अगर आपको लेना है तो ये फोन आपके काम का नहीं है। कैमरास की बात करें तो डिसेंट कैमरा सेटअप आपको मिलता है, 4 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 4 कैमरास पीछे की तरफ आपको दिए गए हैं, 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। एंड फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। ओवरऑल कैमरा सेटअप की बात करें, सैमसंग के जो आउटपुट निकल के आते हैं उनको देखते हुए कैमरा सेटअप यहां पर आपको अच्छा मिल जाता है। आगे चलते हैं, बैटरी की बात करते हैं, 5000 mAh की बैटरी मिलती है, तो बैटरी का साइज तो अच्छा है। सैमसंग की सो कॉल्ड सुपर फास्ट चार्जिंग यहां पर आपको मिलती है जो कि है 15W की चार्जिंग। यस 15W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 15W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। बैटरी का साइज अच्छा है लेकिन जो चार्जिंग दी गई है वो काफी ज्यादा पुरानी दी गई है। अब तो भाई 18W तो मिनिमम मिलना चाहिए, यहाँ पर सैमसंग आपको 15W की चार्जिंग दे रहा है। उसी के साथ में चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, हमारा प्यारा दुलारा 3.5mm का खड्डा, 3.5mm जैक भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, उसमें आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। उसके अलावा अगर बात करें सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिल जाता है, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिल जाएंगे, सेंसर में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। उसी के साथ में एंड्रॉइड 11 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में मिलेगा One UI 3.1 फुल फ्लेज वाला, जहां पर आपको नॉक सिक्योरिटी मिलेगी हार्डवेयर वाली, जहां पर आपको सैमसंग पे का ऑप्शन मिल जाएगा, उसी के साथ में अल्ट जी लाइव का यहां पर आपको सपोर्ट मिल जाता है ताकि आप अपने काले कारनामों को एक बटन दबा करके छुपा सकें। तो यहां पर जो सिक्योरिटी प्राइवेसी है वो काफी अच्छी मिल जाती है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद में स्पीकर्स की बात करें तो सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स आपको दिए गए हैं, कोई डुअल वॉल स्पीकर्स नहीं मिलते भाई, सिंगल स्पीकर्स यहां पर आपको दिए गए हैं, एंड डेडिकेटेड माइक्रो एसडी का स्लॉट मिलता है जिसमें मेमोरी कार्ड आप घुसेड़ देंगे तो 1 TB का हार्ड डिस्क आपका फोन बन सकता है। ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें, अगर इतना घटिया डिस्प्ले यहां पर नहीं दिया होता भाई तो इस फोन के जो स्पेसिफिकेशंस है वो डिसेंट है। दो चीजें इस फोन में मेरे को बहुत घटिया लगी भाई, इसका डिस्प्ले और इसका प्राइस पॉइंट। 21,000 का फोन इतने सड़े स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है, आई डोंट थिंक इस फोन की तरफ आपको देखने की भी जरूरत है। 2 सितंबर से इसकी सेल चालू हो रही है, लेकिन हो रही है तो हो रही है भाई, अपने को उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपको 5G फोन ही लेना है, सैमसंग बोल रहा है कि इसके अंदर आपको 12 5G बैंड्स दिए गए हैं, तो यस 12 5G बैंड्स डेफिनेटली दिए गए हैं, लेकिन अगर आपको 5G फोन ही लेना है 21-22,000 के प्राइस पॉइंट पर तो मोटो H20 फ्यूजन ले लो, इतना तगड़ा स्मार्टफोन है वो आप परचेस कर लो। आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन लेना है तो IQ Z3 ले लो, अगर आपको अच्छे UI वाला फोन लेना है तो OnePlus Nord CE ले लो। मतलब ये वाला जो स्मार्टफोन है क्यों मार्केट में लॉन्च किया गया है, क्या सोच के लॉन्च किया गया है, आई डोंट नो, एंड मेरे हिसाब से इस साल में लॉन्च किए हुए सबसे घटिया फोनों में से एक फोन है भाई। इसी में सैमसंग और भी आगे है, A22 5G भी आया था, वो भी बहुत घटिया फोन था, ये भी बहुत घटिया फोन है। तो 5G के नाम पर अभी सैमसंग के स्मार्टफोन तो एटलीस्ट आप परचेस मत करी दो भाई, सैमसंग जो कर रहा है ना 5G के नाम पर वो बहुत गलत कर रहा है, स्पेसिफिकेशन बहुत खराब आपको दे रहा है। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि इस फोन के बारे में आपके क्या विचार हैं, 2 शब्द अगर आप कमेंट में कहना चाहें तो कह सकते हैं, वेलकम है भाई, कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर से मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, अच्छे लगेंगे तो लाइक करूंगा, रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।